मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। इस बार बिग बॉस 12 में पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत की एंट्री हुई है। श्रीसंत टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। श्रीसंत की प्रोफेशनल लाइफ विवादों से घिरी रही। श्रीसंत मैच फिक्सिंग के मामले में जेल जा चुके हैं। इस मुश्किल घड़ी में श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने उनका बहुत साथ दिया। जिस वक्त श्रीसंत को जेल हुई थी, उस वक्त उनकी पत्नी किचन में सोया करती थी। वो अपने पति की तकलीफ को महसूस करना चाहती थी। सितंबर 2013 में श्रीसंत पर स्पॉट फिक्सिंग मामले में आजीवन बैन लगाया गया था। उसी महीने उनकी भुवनेश्वरी से शादी होने वाली थी। मैच फिक्सिंग के आरोप के बाद श्रीसंत डिप्रेशन में रहने लगे। वो शादी नहीं करना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने जिंदगी जीने की इच्छा भी छोड़ दी थी। श्रीसंत ने इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि बैन लगने के बाद मैं सोचने लगा था कि मैं फिर से खेलूंगा या नहीं। मैं उस समय अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगा था। मैंने उस समय अपने माता पिता के बारे में भी सोचा। मुझे लगा कि उनके 3 और बच्चे हैं और मैं नहीं होऊंगा तो भी वो मेरे बगैर रह लेंगे। उस वक्त भुवनेश्वरी के पिता ने मुझसे कहा था कि भुवनेश्वरी अब भी तुमसे शादी करना चाहती है। फिर मुझे लगा कि मैं उससे शादी किए बिना इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। आखिरकार श्रीसंत ने 12 दिसंबर 2013 को जयपुर के शेखावत परिवार से ताल्लुक रखने वाली अपनी गर्लफ्रेंड भुवनेश्वरी कुमारी से शादी की। जब श्रीसंत को जेल हुई तो उनकी पत्नी ने किचन में सोना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी राजस्थान की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। भुवनेश्वरी श्रीसंत से 9 साल छोटी हैं। दोनों ने शादी से पहले 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। साल 2015 में श्रीसंत एक बेटी के पिता बने। साल 2016 में इस कपल का एक बेटा भी हुआ। श्रीसंत खेल के अलावा बेहतरीन डांसर भी हैं। उनको स्वभाव में काफी शॉर्ट टेम्पर माना जाता है। वो एक्टिंग भी कर चुके हैं और उन्होंने बॉलीवुड फिल्म अक्सर 2 में काम किया है। इसके अलावा श्रीसंत साउथ की कुछ फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिग बॉस 12 से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।